नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात कर रहे हैं एमपी ओपन स्कूल के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स हैं, इनको लेकर जो छात्र थे काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार जो था वो अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, रिजल्ट को लेकर अपडेट यही है कि रिजल्ट अब जारी कर दिए गए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड के ओपन के जो रिजल्ट थे उनको जारी कर दिया गया है। और रिजल्ट जो ये है, इनको एक नाम दिया गया, इसका नाम है रुक जाना नहीं। अब आप सोचेंगे रुक जाना नहीं इसको क्यों कहा गया, ये इस वजह से कहा गया कि जो अभी छात्र 2019 में जो 10वीं और 12वीं पास कर जाने में असफल हुए थे, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था कि ये ओपन से अपना एग्ज़ाम देकर जो अपना 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको देकर वो क्लियर कर जाएं और जो उनके ज़िंदगी का सफ़र है वो उसमें रुके नहीं और आगे बढ़ते रहें, यानी कि जो उनकी पढ़ाई है वो ना रुके, वो उसमें आगे बढ़ते रहें। तो ऐसे में अपडेट यही है कि 10वीं और 12वीं के दोनों का नतीजे घोषित कर दिए गए हैं विभाग के द्वारा। अब मैं आपसे अगर बात करूं कि जो रिजल्ट्स हैं ये आपको मिलेंगे कहाँ, तो ये रिजल्ट जो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है ये वहाँ पर आपको जाकर मिल जाएंगे। जो विभाग की वेबसाइट है वो मैं आपको बता दूँ, result.mpsos.net.in, ये वेबसाइट है जहाँ पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात करें अगर वो कौन सी इजी स्टेप होंगे जिसमें आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको जो मैंने वेबसाइट बताई विभाग की, उस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। इसके बाद आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा 2019 रिजल्ट का, 10वीं और 12वीं के दोनों ही अलग अलग सेपरेट लिंक होंगे। अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो 10वीं पर क्लिक करें, 12वीं के हैं तो 12वीं पर जाएँ, और इसके बाद आपसे जो आपकी जरूरी डिटेल्स हैं वो मांगी जाएंगी, वो डिटेल्स को फिल करें। इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद होगा। इस प्रकार आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, साथ में इसे भविष्य के लिए आप वहां से सेव भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। और तो ये वो आसान तरीके जिसमें आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अपडेट जैसे मैंने आपको बता दिया कि एमपी स्कूल के ओपन स्कूल को लेकर अपडेट यही है कि 10वीं 12वीं नतीजे घोषित कर दिए गए। अगर आप 10वीं और 12वीं के छात्र हैं ओपन से मध्य प्रदेश के, तो जाकर आप देरी ना करें, अपने रिजल्ट को चेक करें और देखें आपका रिजल्ट क्या कहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगर हमारे पास कोई और अपडेट होगी एमपी बोर्ड को लेकर तो हम आपको जरूर अपडेट देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।